हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने गार्डन में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि मैंने अपने गार्डन की इससे पहले की 3 वीडियो अपने गार्डन की डाली हुई है चैनल पर, तो आप जा करके उन सबको देख सकते हैं। और मैंने कौन कौन से DIY बनाए वो सभी के सभी आप चेक कर सकते हैं। तो इधर का जो मेरा ये गार्डन है, तो इसकी मैंने 3 भाग में वीडियो डाली है। ये फर्स्ट भाग है, ये सेकेंड भाग है और ये थर्ड भाग है। अब आज नंबर आता है 4th भाग का। तो अलग अलग उसमें आपको वीडियो दिखाऊंगी, तो आपको पता भी चलेगा मैंने कितने सारे DIY और कितनी सारी चीजें बनाई हुई हैं, ताकि आप भी उसका फायदा उठा सके और अपने गार्डन में लगा सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ से, ज्यादा देरी ना करते हुए, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी फ्रेंड्स। और यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ से मैंने स्टार्टिंग की है। तो ये एक स्टैंड जो लकड़ी का आप देख रहे हैं, तो ये भी लकड़ी का स्टैंड घर में ही बनाया है। उन्हीं जिस लकड़ियों से मैंने स्टैंड बनाया, उन्हीं लकड़ियों से मैंने इस स्टैंड को बनाया। तो इस तरह के स्टैंड आप सस्ते में बना करके तैयार कर सकते हैं। लोहे का स्टैंड बहुत महंगा पड़ता है, स्टैंड भी आपका सस्ते में तैयार हो गया फ्रेंड्स। और प्लांटर भी आपके फ्री में तैयार हो गए, क्योंकि ये सारी की सारी कैन जो रिफाइंड की आती है, उसी से ये इतने सारे प्लांटर मैंने बनाए हैं गणपति जी के। तो इस तरह के प्लांटर आप बना सकते हैं। इनके ऊपर आप पूछेंगे कि कौन सा मैंने पेंट किया है, तो ऑयल पेंट किया है सभी के ऊपर। ऑयल पेंट की चमक बनी रहती है और ज़्यादा दिन तक वो चलते हैं। और इसके ऊपर थोड़ा सा जो मैंने काम किया है, तो वो आप एक्रेलिक कलर से कर सकते हैं। और इसके अंदर जो प्लांट लगाए हुए हैं, ये सब मैक्सिकन पिटूनिया के प्लांट है। और ये सारे के सारे प्लांट कटिंग से तैयार किए हैं। इनके ऊपर पर्पल कलर का फूल आता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और यहाँ पर ये मधुमालती की बेल जो लगाई हुई है, ये भी मैंने कटिंग से लगाई है। तो इस तरह से आप बहुत ही कम बजट के अंदर अपना गार्डन तैयार कर सकते हैं। और ऊपर की साइड में मैं दिखाऊंगी आपको, ये जो प्लांट रखे हुए हैं, ये भी सभी कटिंग से तैयार हैं फ्रेंड्स। जो पीछे एक बड़ा प्लांट है, वो मैं लेके आई थी नर्सरी से। और इसके अंदर छोटे छोटे जो प्लांट लगाए हुए हैं, ये सब कटिंग से तैयार हैं। और ये जो मैंने यहाँ पर प्लांटर बनाए हुए हैं, तो ये सब 10-10 रुपए वाले मग्गे हैं। इनके ऊपर मैंने ऑयल पेंट किया है और ये सभी के ऊपर इस तरह से फेस बनाए हैं इमोजी। तो इस तरह से आप बहुत ही कम बजट के अंदर बहुत सुंदर सा गार्डन तैयार कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे, और आगे भी मैं दिखाऊंगी आपको। ये कनस्तर है, एक बाल्टी है और इसके ऊपर ये देखिए, ये मैंने प्लांटर इस तरह से बनाया हुआ है। इसके अंदर जो प्लांट लगा हुआ है, ये हार्ड लीफ का प्लांट है, काफ़ी महंगा मिलता है। इसको कटिंग से आप बहुत सारे प्लांट इसके तैयार कर सकते हैं। और ये इसके अंदर जो मैंने मोज स्टिक लगाई हुई है, वो भी मेरा एक जुगाड़ है। जुगाड़ से ही बना करके इतनी बड़ी मॉस स्टिक बनाई थी, क्योंकि इतनी बड़ी तो मार्केट में मिलती नहीं है, और मिलती भी है तो महंगी मिलती है। तो इसको मैंने जो है बहुत सस्ते में तैयार किया है। एक डंडा लेके, डंडे के ऊपर आपके पास कोई बोरी पड़ी हो ना, बोरी होती है, उसको कटिंग करके उसको आप डंडे के ऊपर लपेट के रस्सी से एक मॉस स्टिक तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए, सब कलर की बाल्टी है, ऑयल की बाल्टी है, तो इनसे भी आप इस तरह के प्लांटर बना सकते हैं और इनको हैंग कर सकते हैं। और इनके अंदर लगाई है टर्टल वाइन, काफ़ी बड़ी हो गई है। ये देखिए, गिलहरी को बहुत पसंद है, सारी को कट कर देती है उस वाले प्लांटर की। ये देखिए, सारी कट कर दिया, बहुत बड़ी हो रही थी वो। और ये देखिए, यहाँ पर इस प्लांटर में भी मैंने टर्टल वाइन लगाई हुई है, ये भी प्लांटर मैंने अपने आप बनाया है। और ये है मटकियाँ, मटकियाँ से भी आप इस तरह के प्लांटर बना करके हैंग कर सकते हैं। इसमें मैंने सिंगोनियम की कटिंग लगाई हुई है, और एक ये स्टिक डंडा था, तो उसको मैंने कलर करके इस तरह से 2 कील के ऊपर हैंग कर दिया है। और इसके ऊपर ये 5 प्लांटर मेरे लग के तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए, कितना बढ़िया आइडिया आपको मिल गया है अपने गार्डन के लिए। उसके बाद आते हैं नीचे, ये पाइप के ऊपर एक मटकी को उल्टा करके मैंने इस तरह से एक DIY बना करके पीछे रखा हुआ है। और ये सारे प्लांट आप देखेंगे कटिंग से ही तैयार हैं। पर्पल हार्ट है, रियो है और गुलदावरी है, और ये सारे सिंगोनियम हैं। और ये भी एक प्लांट जो इनका मदर प्लांट है, वो आपको दिखाऊंगी, ये भी मैंने कटिंग से तैयार किया था। और इसके 2 प्लांट ये देख सकते हैं, ये भी कटिंग से तैयार है। ये मटकियाँ दीपावली पर तैयार की थी, तो ये भी यहीं पर रखी हुई हैं। और जो यहाँ पर स्टैंड देख रहे हैं, ये भी एक विंडो के निकले हुए पार्ट हैं अलग अलग, जिनको ईंट पर रखकर मैंने इस तरह से स्टैंड बनाया है। और ये कनस्तर हैं फ्रेंड्स, तो कनस्तर भी आप डेकोरेट करके इस तरह से लगा सकते हैं। ये देखिए, सभी बोतल का यूज किया है। एक टूटी हुई कुर्सी है, तो उस कुर्सी का भी यूज इस तरह से कर लिया है। और यहाँ पर देखेंगे, ये टूटा हुआ मटका था, तो मटके का भी आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, एक मटका और एक मटकी। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर टोपियारी बनाई है, अभी इस पर मुझे काम करना है। ये देखिए, काफ़ी बड़ी हो गई है हमारा जेड प्लांट, तो इसको हम इस तरह से लगा देंगे।
और यहाँ पर भी दिखाऊंगी फ्रेंड्स, ये है जो मैंने अभी छोटा सा एक प्लांट दिखाया था, तो ये वही प्लांट है 4 o'clock, इसके ऊपर भी गुलाबी कलर के फूल आते हैं, शाम के टाइम खिलते हैं। यहाँ पर बीज गिर गए थे और ये नीचे ज़मीन में उगे हुए हैं, तो ये देख सकते हैं इसकी ग्रोथ। ज़मीन में जो प्लांट होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और ये है यहाँ पर अशोक के पेड़, तो अशोक के पेड़ मैंने यहाँ पर ये देखिए लाइन से लगाए हुए हैं। पहले मेरे पास बहुत सारे प्लांट थे, तो बाकी के प्लांट वे यहाँ से कट गए हैं क्योंकि यहाँ पर टीन लग गई थी, बाकी जो बचे थे वो बच गए हैं। और ये जो हमारे प्लांट है तो इनके ऊपर भी मैंने इस तरह से टाई क्लिप से ये छोटे छोटे से प्लांटर बना करके लगाए हुए हैं। तो इस तरह से पेड़ के ऊपर भी आप प्लांटर लगा सकते हैं। और यहाँ पर भी स्टैंड देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो सब स्टैंड आपको ईंट के ऊपर, लोहे के पाइप, लकड़ी के पाइप, इस तरह से मैंने सब स्टैंड बनाए हुए हैं। कोई भी स्टैंड बाजार से खरीद करके नहीं लगाया हुआ है। और ये देखिए बीच में एक ये सारस बना करके रखा हुआ है, तो ये भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल से और पाइप से बनाया है मैंने, और किस तरीके से बनाया है इसकी वीडियो भी आप जा करके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये एरिया भी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, अभी आधा अधूरा है। और यहाँ पर भी देखेंगे कितने सारे प्लांटर, चिड़िया के घर मैंने बना करके लगाए हुए हैं। और बीच में एक मेज़ थी जो बेकार पड़ी थी, उस मेज को मैंने यहाँ पर रख करके एक ये साइकिल का जो ये बनाया हुआ है प्लांटर स्टैंड, तो ये पुरानी साइकिल थी बच्चों की, तो उसको कलर करके मैंने इस तरह से यहाँ पर इसको रखा है तैयार करके। और ये दही के सभी कंटेनर हैं, तो दही के कंटेनर में भी आप इस तरह से कलर करके प्लांट लगा सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर सा एक DIY तैयार हो गया है। और एक DIY ये देख सकते हैं, आपके पास जीन्स तो खराब पड़ी होगी और ये पड़े हैं जूते, तो इस तरह से एक प्लांटर मैंने ये भी तैयार किया है। और ये टायर है पीछे फ्रेंड्स, टायर के अंदर भी सिंगोनियम का प्लांट लगाया है, उसके ऊपर भी मैंने पेंट कर दिया है। तो इस तरह से आप अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकते हैं। तो सभी प्लांट के ऊपर इस तरह से मैंने प्लांटर लगाए हुए हैं। और यहाँ पर भी आगे भी देखेंगे स्टैंड, सब आप देखेंगे स्टैंड बिल्कुल एकदम फ्री के स्टैंड है। अगर आपके प्लांटर छोटे बड़े हैं तो इस तरह से आप टैल के टुकड़े रख सकते हैं, जिससे कि आपके प्लांटर गिरे ना। और ये प्लांट आप देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट कटिंग से हैं। और ये है मेरा, ये मैं छोटा सा लेके आई थी रबड़ प्लांट, तो धीरे धीरे करती हूँ वैरायटी लाती हूँ, धीरे धीरे करके उनको ग्रो करती हूँ और उसके बाद कटिंग से फिर बहुत सारे प्लांट तैयार करती हूँ। तो ये देखिए ये वाला प्लांट, ये है बड़े वाला प्लांट, इसी से कटिंग से मैंने बहुत सारे प्लांट तैयार कर दिए हैं। ये है गुलदावरी के प्लांट, इनके कटिंग कर दिए और इनमें खाद दे दिया है ताकि ये पूरा भर जाए दिसंबर के महीने तक, और फिर इसके बाद इन पर होगी फ्लावरिंग। और यहाँ पर भी देखेंगे आप, कटिंग से तैयार कर रही हूँ प्लांट। ये भी मैंने जो है एरोकेरिया की कटिंग लगाई हुई है, ये मोर पंखी की कटिंग लगाई हुई है, ये हमारी कटिंग लगी हुई है स्नेक प्लांट की, और ये है मैक्सिकन पिटूनिया है, ये है गुलदावरी, ये है हमारा मनी प्लांट, और एक प्लांट ये है। तो ये सब कटिंग से लगाए हुए प्लांट हैं। और यहाँ पर मैंने ये देखे एक कोलियस की कटिंग यहाँ पर लगा दी थी, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो इससे बहुत सारे प्लांट हम तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन जो खराब हो गया था वो मैंने डाल दिया था, तो उसके अंदर अदरक था, तो ये अदरक के प्लांट यहाँ पर उग करके आ गया है। देखिए कितना सुंदर सा प्लांट आया है, एक वहाँ पर भी है। और यहाँ पर देखेंगे पपीते के बहुत सारे बीज से हमारे प्लांट उग के आ गए पपीते के। तो इस तरह से मैं बीज को जो है अपने गार्डन के की गमले जो होते हैं गमलों में डाल देती हूँ, और उससे हमारे बहुत सारे प्लांट निकल कर आ जाते हैं। और ये सब छुआरे के प्लांट हैं फ्रेंड्स, और ये मटकी को डेकोरेट किया है। और ये देखिए इस प्लांट के ऊपर भी ये लगे हुए हैं बास्केट प्लांट, ये प्लांट भी आप एक बार ले आओगे ख़त्म नहीं होता है। तो प्लांट वो लगाइए जिसमें कि आपका खर्चा भी कम हो और आपके पास प्लांट भी ज़्यादा हो। हमें क्या चाहिए, हरियाली, तो हरियाली को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर भी, तो ये एक टायर वो है, उसके ऊपर मैंने कलर नहीं किया है, उसके अंदर दो प्लांट लगाए हुए हैं, एक बास्केट प्लांट है, एक रियो का प्लांट है, रियो का ये बड़े वाला प्लांट है। तो इस तरह से आप बहुत सारे प्लांटर भी बना सकते हैं, स्टैंड भी लगा सकते हैं और DIY भी बना सकते हैं। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको इधर का एरिया, आपने देखा होगा इधर की साइड में मैंने सारे ज़्यादातर प्लांट जो हैं इंडोर प्लांट रखे हुए हैं। गुलदावरी का प्लांट इस समय इसलिए यहाँ पर रखा हुआ है क्योंकि धूप तो अब इनको चाहिए नहीं इस टाइम पर, इनकी ग्रोथ अच्छी सी हो जाएगी तब इनको फिर यहाँ से हटा करके धूप की साइड में रख दूंगी। तो बरसात के मौसम में तो धूप प्लांट को वैसे ही नहीं मिलती है। तो ये वाला एरिया आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। अगर आपको ये एरिया अच्छा लगा है तो इसकी के बारे में मुझे ज़रूर बताएं।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर दिखाऊंगी फ्रेंड्स वीडियो में, अगली वीडियो में अगला पार्ट। तो जो पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख लीजिए, तो आपको बहुत सारे आइडिया मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ अगले पार्ट में। ओके, बाय बाय।